तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं। जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है धर्मेंद्र मिर्जापुर, जो कि कुरुक्षेत्र से हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड चेयरमैन के पद पर काबिज है। सुनिए। आज जिस प्रकार से अपने दीनदयाल उपाध्याय पशु बीमा योजना का जो है आज यहाँ से पूरे हरियाणा में शुभारंभ किया जा रहा है, और जैसे आप देखिए पशुधन जो है वो आम आदमी के लिए, किसान के लिए, पशुपालक के लिए एक आज बहुत महंगा सौदा उसके लिए है। और जहाँ पशु की कीमत इतनी बढ़ गई है, वहीं जब कभी इस प्रकार से कोई मृत्यु को कोई पशु किसी का प्राप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पशुपालक एक तरह से रीढ़ टूट जाती है। तो उसको सरकार की तरफ से सहायता देने के लिए तो इस प्रकार से एक टोकन मनी जो उससे 100 रुपये और 200 रुपये लेकर जो है उसका आज इंश्योरेंस किया जा रहा है। और उसे उस इंश्योरेंस से यदि उसका कोई अकाल मृत्यु उसके पशु की हो जाती है, दुधारू पशु की हो जाती है, तो वो बीमा कंपनी जो है वो उसकी पूरी कीमत जो आज इस मौके पर तय करेंगे इंश्योरेंस स्कीम के नाते, तो वो पूरी जो कीमत है उस पशुपालक को मिलेगी, जिससे जो है उसको एक तरह से राहत मिलने का काम करेगी। कौन कौन से पशु इसमें रहेंगे? इसमें देखिए सभी भी लाइफ स्टॉक जो है वो सारे इसमें शामिल हैं, और मुख्यतः दुधारू पशु पे ज़्यादा फोकस रहता है। बाकी उसके साथ घोड़ा, ऊँट, बकरी, भेड़ और जितने सुअर या इस प्रकार से जो भी जानवर, जो पालतू जानवर हैं, उन सबको इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाता है। किसान को मिनिमम एक तरह से वो देनी पड़ेगी? हाँ, देखिए ये एक तरह से टोकन मनी है। टोकन मनी, हाँ, जहाँ इस पर पूरे इंश्योरेंस जो उसकी वैल्यू है उसका 1.90% जो है वो जो है सरकार देने का काम करती है।